संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज के आशीर्वाद और मुनि अभय सागर, प्रभात सागर और निरीह सागर महाराज के निर्देशन में विदिशा जिले की पठारी गोपाल गौशाला में अनाथ, वृद्ध, निशक्त और दुर्घटनाग्रस्त गोवंशों को आश्रय दिए जाने का काम किया जा रहा है। इस कारण से अक्सर लोग यहाँ सेवा भावना से आते हैं और दान पुण्य कर सेवा कार्य करते हैं। इस क्रम में मैना सुंदरी संभाग के जागृति महिला मंडल पठारी शाखा द्वारा राष्ट्रसंत आचार्य विद्यासागर महाराज जी के 75वें अवतरण दिवस पर गोपाल गौशाला में पहुंचकर गोवंश को गुड़, चारा आदि खिलाया गया और ग्रोग्रास के लिए 5100 रुपए का दान दिया गया। महिला मंडल ने बताया कि जीवदया और मानव कल्याण के क्षेत्र में आचार्य की प्रेरणा और आशीर्वाद से देश भर में सैकड़ों गौशाला चल रही है जिनमें लाखों पशु संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं। विदिशा पठारी से आशीष सहले की रिपोर्ट। श्री विद्यासागर जी महाराज के अवतरण दिवस के अवसर पर हम लोग हमारे ग्राम की गौशाला में आए हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छे सुचारू रूप से ये गौशाला चल रही है और बीमार पशुओं की भी बहुत अच्छी तरीके से देखभाल हो रही है, इसलिए हम लोग कुछ दान की राशि ऐसी जगह पे देना चाहते हैं कि वो अच्छे से और अच्छे ढंग से चल सके। अरे आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद है जो मूक पशुओं के लिए हमेशा सोचते हैं, इसलिए हम भी चाहते हैं कि गौशाला हमेशा ऐसे ही सुचारू रूप से चलती रहे और यहाँ पे सुविधाएं ज्यादा हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।